अगर आप धड़ल्ले से एंटीबायोटिक ले रहे हैं या देने की सलाह धड़ल्ले से दे रहे हैं तो फिर हो जाइए सावधान। आने वाले दिनों में आपको जरूरत पर आपके शरीर पर नहीं करेगा असर, फिर क्या होगा, उस वक्त आपको बचाना मुश्किल होगा। विश्व एंटीबायोटिक्स जागरूकता सप्ताह को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टर अरुण शाह ने एक जन जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 7 लाख मौतों की वजह बन रही ये छोटी सी गलती। एंटीबायोटिक्स सप्ताह चलाया जा रहा है, इसको लेकर क्या लग रहा है कि आम लोगों में काफी जागरूकता की कमी है, धड़ल्ले से लोग एंटीबायोटिक का उपयोग कर रहे हैं, कितना घातक हो सकता है? देखिए, इसमें कोई एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स है कि जो एंटीबायोटिक्स को मिसयूज हो रहा है या एंटीमाइक्रोबियल से मिसयूज हो रहा है। 1940 के बाद जब एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन बनाने के बाद बहुत सारी एंटीबायोटिक मार्केट में आई और धीरे धीरे बहुत सी मार्केट से निकल भी गई, क्योंकि उसका असर धीरे धीरे कम घटता जा रहा है या कम गया या बिल्कुल लुप्त हो गया। तो एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को के खतरे को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर साल एक साप्ताहिक दिवस, मतलब कि एक दिन का नहीं, पूरे 18 नवंबर से 24 नवंबर तक मनाने का, ये पूरी दुनिया में इस बात की जागरूकता अभियान है कि अगर एंटीबायोटिक का यूज या एंटीमाइक्रोबियल्स का यूज अगर धड़ल्ले से यूज हुआ तो आने वाले समय में हमारे पास कोई ऐसा एंटीबायोटिक नहीं है जो हमको ज़रूरत पड़े हमको और हमको हमारी जान बचा सके। अभी तक एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के बाद करोड़ों लोग की जान बचाई जा चुकी है, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि 40 के बाद जब से एंटीबायोटिक आया या जो भी एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीपैरासिटिक है, उसका मिसयूज होना बहुत शुरू हो गया। आपकी जानकारी के लिए, ज़्यादातर केसेस में, चाहे हम बच्चे ही के डॉक्टर हैं और ज़्यादातर बच्चे या बड़े हों, बुखार है, खांसी है, पेट खराब है, ये 3 कॉमन सिम्टम है। और तीनों मतलब कि क्या है, उसके काम आम कारण जो है वो है वायरल। वायरल जो है 90% केसेज में वायरल इन्फेक्शन है। एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरल के इन्फेक्शन में काम नहीं आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो माइंड सेट है वो माइंड सेट हो गया कि बिना एंटीबायोटिक के हमारा बुखार ठीक नहीं होगा, खांसी ठीक नहीं होगा, पेट ठीक नहीं होगा, ये एकदम गलत है। एंटीबायोटिक की ज़रूरत है वहाँ जहाँ की बिल्कुल मतलब कि लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, न कि मतलब कि बुखार, सर्दी, खांसी में और किसी का पेट खराब हो गया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ज़्यादातर ये सब जो बीमारी होती है सेल्फ लिमिटिंग होती है, पैदस की बीमारी वायरल ही होती है। तो एंटीबायोटिक का डेफिनेटली मिसयूज होने से एंटीबायोटिक के अस्तित्व पर खतरा आ गया है। एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण दुनिया भर में 7 लाख मौत सालाना हो रही है। 2050 तक ये आंकड़ा 1 करोड़ तक हो सकता है। मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।